पीके यानी कि प्रशांत किशोर अब अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वे बिहार से करेंगे। सूत्रों की माने तो इसको लेकर पीके जल्द ऐलान भी कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या रहेगी पीके की स्ट्रैटेजी, बता रहे हैं हमारे पटना से सहयोगी एस के राजीव। पटना का ये बीरचंद पटेल पथ है और जितने भी पार्टी के कार्यालय है वो इसी बीरचंद पटेल पथ पर स्थित है, और आने वाले दिनों में आपको कुछ और कार्यालय यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पीके जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रशांत किशोर, वो अब एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। फिलहाल पीके जो है वो पटना में है और पिछले दो दिनों से, और जो ये भी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी मीटिंग होगी और उसमें कुछ नई रणनीति तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि लगातार पीके के विषय में यह कहा जा रहा था कि अभी तक वो स्ट्रेटेजी बनाते थे दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद फिर जब वो बिहार आए तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया, जदयू के लिए काम किया। उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वाकई में नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां तो बढ़ी, लेकिन इन नज़दीकियों के बीच अब पीके खुद अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी वीआईपी, ये बीरचंद पटेल पथ को काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है, और यहाँ पे तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय यहीं पर हैं। और आने वाले दिनों में पीके अगर अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं जैसा उन्होंने ट्वीट किया है तो निश्चित तौर पर इसी बीरचंद पटेल पथ पर उनका भी अपना एक कार्यालय होगा। हालांकि इन सबके बीच और एक महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि पीके ने यह घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे उसे प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे। तो इंतजार कीजिए पीके की नई पार्टी का, क्योंकि आने वाले दिनों में अब फिर देश को एक नई पार्टी मिलने वाली है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार।